हेलो जी कैसे हो सारे दिस इज़ लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें कर लिया है अपना पहला प्रोग्राम बना लिया है ऑपरेटर क्या होते हैं डेटा टाइप क्या होते हैं फ्लो चार्ट सूडो कोड कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे काम करता है नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होते हैं ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पर हमने अब तक कोडिंग करनी शुरू नहीं की अच्छी है ना एक ही प्रोग्राम बनाया है तो इस लेक्चर के अंदर डी एस सीरीज के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कोड करने वाले हैं बात करने वाले कंडीशन के बारे में लूप्स के बारे में बहुत सारे पैटर्न जब मैं बोलता हूँ बहुत सारे तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैटर्न कोड करने वाले हैं होमवर्क आपको देने वाले हैं लूप्स ना की चीज़ होती है उसको भी समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं कंडिशनर्स के साथ एग्जाम्पल क्या होता है कंडिश्नर्स एग्जाम्पल के लिए कि यार अगर तू मुझे पाँच रुपए देगा तो मैं तुझे तो एक पेन दूंगा कंडीशन कि अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा भाई नहीं तो नहीं करूँगा अगर तुम मुझे दस हज़ार रुपये देगा तो मैं तुझे तो डी एस ए पढ़ाऊँगा हमारे केस में फ्री में ठीक है तो ये कंडीशन होती है जो हमारे सामने होती है कंप्यूटर को कंडीशन कैसे समझाएंगे हम कि यार कंप्यूटर अगर तू हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा चल प्रिंट करके देखा तो अगर वाली चीज़ें कंडीशंस वाली चीज़ें कंप्यूटर कैसे समझेगा हमें क्या कोड करना पड़ेगा वो हम समझने वाले हैं ठीक है मान लो हमें बताना है दो नंबर है ए और बी पाँच और पंद्रह अगर ए बड़ा है तो प्रिंट कर दो कि ए इज़ बिगर अगर ए छोटा है तो प्रिंट कर दो ए इज स्मॉलर सिंपल है ना पर कंडीशंस आ गई है कि ए को बी से कंपेयर कराना पड़ रहा है उसके बाद पता लग रहा है कि ए बिग है या स्मॉल है ठीक है हमने फ्लो चार्ट वाले लेक्चर में यार क्या देखा था जो हमारा फ्लो चार्ट वाला लेक्चर चल रहा था सबसे पहला लेक्चर वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी डिसीजन मेकिंग बॉक्स ये ऐसा कि मैंने बोला इज ए ग्रेटर देन बी ये मैं दो आउटपुट देता था यार पहला यस वाला और दूसरा नो वाला अगर यस है तो यहाँ कुछ 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 कर दो अगर नो है तो यहाँ कुछ 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 कर दो ठीक है तो इस चीज को कोड की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उस चीज को हम समझने वाले हैं ठीक है मान लेते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है कि यू आर गिवन टू नंबर्स पहला ए दूसरा बी अब मुझे बताओ अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ऐसे लिख दो ये प्रिंट कराओ कि आंसर इज ए अगर बी ग्रेटर देन ए है तो लिखो आंसर इज बी ये प्रिंट करा के कर दिखाओ मुझे तब मुझे अच्छा लगेगा ये मेरा आउटपुट है ठीक है हम कंप्यूटर से ये करवाना चाहते हैं कैसे करवाएंगे तो यहां पे आती है आपकी इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट की हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर क्या समझता है इफ स्टेटमेंट समझता है कंप्यूटर हम क्या बोलेंगे कि यार इफ ये कंडीशन तो तू ये कर दे इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो कर देगा वो ठीक है तो फ्लो कैसा होता है कि यार जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी इफ जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले सारे काम कर दिए जाएंगे सब so, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं कोडिंग एजाज के बारे में इस फ्री डीए से कोर्स को आप तक तो पहुंचाने में कंटेंट क्वालिटी कंटेंट एक्सपर्टीज से लेकर वीडियो स्पॉन्सरशिप तक एक मेजर चंग जो है कोडिंग एजाज ने सपोर्ट किया है ताकि आप तक तो कोर्स पहुंच पाए थैंक्स टू दैम कोडिंग इंजाज क्या है इट इज वन द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेस दे सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स के अंदर आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार मशीन लर्निंग कर लूँ एंड्रॉइड कर लूँ डेवलपमेंट कर लूँ डिजाइन कर लूँ को सब्जेक्ट ओ एस डी बी एस वगैरह पढ़ लूँ मैं यार डी एस ए कर लूँ जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेस ले पाएंगे सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की वो ये कि यहाँ पर वन ऑन वन डाउट रिजोविंग सपोर्ट अवेलेबल है अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक से दो घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है लैंग्वेज की अगर बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियो मिल जाएंगी तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा धन्यवाद थोड़ा लॉजिकल वे में समझें अगर तो इफ ए ग्रेटर देन बी तो सी आउट सी आउट हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में सी आउट क्या कर दो कि आंसर इज ए इसका मतलब जब भी ए ग्रेटर देन बी होगा तो आपका आंसर इज ए प्रिंट हो जाएगा ये चीज़ हमें समझ में आ गई है पर भैया हमें तो यार आंसर इज बी वाला भी संभालना है तो अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिख दूँ इफ बी ग्रेटर देन ए और यहाँ पे लिख दूँ सी आउट आंसर इज बी तो ये वाला काम भी हो गया तो हमें अभी क्या समझ में आया हमने एक चीज समझी है जिसको हम बोलते हैं इफ इफ ब्लॉक हमारे पल्ले पड़ चुका है हमें समझ में आ गया कि इफ ब्लॉक इस तरीके से लिखा जाता है कंडीशन ट्रू इफ के अंदर जाओगे कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ के अंदर नहीं जाओगे मान लेते हैं कि ए की वैल्यू पांच है और बी की वैल्यू चार है और हमने यहाँ पे कोड लिखा है ये यहाँ पे हमने लिख दिया डू समथिंग कुछ कुछ करना है अभी नहीं पता क्या करना है तो जब ये होगा तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप इस ब्लॉक के अंदर इस ब्लॉक के अंदर जो भी आपने लिखा है वहां तक नहीं पहुंच पाओगे अंदर पहुंचने का एक ही तरीका है कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए समझ में आ गई वाली चीज ठीक है मान लेते हैं कि आपको एक नंबर इनपुट में दिया इसको हमने बोला कि ये फाइव है आपने बोला कि अगर पॉजिटिव है तो प्रिंट करो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव नहीं है तो प्रिंट कर दो नेगेटिव ये आपने बोला या फिर ऐसा करो अगर पॉजिटिव नहीं है तो प्रिंट कर दो नॉट पॉजिटिव ठीक है इस तरीके से आपने बोला तो हम ये कैसे करने वाले हैं तो हमें ये तो पता है कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है तो हम प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव है ना यहाँ पे सी आउट पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है अगर नहीं है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास एक चीज होती है इफ एल्स ब्लॉक तो यहां पे क्या हो जाएगा एल्स ये यहां पे हमने बोल दिया प्रिंट नॉट पॉजिटिव तो इसमें क्या होगा अगर ए ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव हुआ तो आपने बोल दिया पॉजिटिव है जी एल्स मतलब नहीं तो नॉट पॉजिटिव यानी कि अगर ए इज इक्वल टू फाइव है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आप इस पे आ जाओगे अगर ए इक्वल टू माइनस टू है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप अंदर नहीं आओगे आप एल्स में जाओगे सीधा और ये प्रिंट कर दोगे नॉट पॉजिटिव समझ में आ गई चीज़ हमें ठीक है तो हमें अब तक क्या समझ में आया कि यार इफ़ कंडीशन होती है एक उसको हम हम ऐसे लिखते हैं एक इफ़ एल्स नाम की चीज़ होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं अच्छा लग रहा है समझ में आ चुका है भैया एक बार कोड करके देखते हैं कैसा होता है ठीक है बड़ी आसान चीज़ है आओ कोड की तरफ आओ तो ध्यान देते हैं स्क्रीन पर एक बार कोड करना शुरू करते हैं यहाँ पे हमें कुछ कुछ लिखना पड़ेगा ठीक है ये जी जिसको नहीं पता समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो जाके देखो उसको पता है वो नीचे कमेंट करो क्या है क्यों करना लिखना पड़ता है मैं हैश इंक्लूड और नेम स्पेस वगैरह रीज़न जो बताएगा ये आपका पहला होमवर्क है ठीक है आगे इंट मेन आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है इंट एन ठीक है तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम एन है और जो इंटीजर टाइप का है हमने लिखा सी इन एन ये क्या है ये तो बताया नहीं भैया चलो डिस्कस करते हैं हमने लिखा है सी इन एन क्या ये आप लास्ट वीडियो में सीख चुके यार कि क्या होता है ये आपको पता लग चुका सी आउट अगर मैं लिख देता हूँ एन तो यहां क्या मतलब होता है एन की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं या डिस्प्ले करना चाहता हूं ठीक है अब सी इन एन का क्या मतलब है यहां पे हम एन का इनपुट ले रहे होते हैं समझे इस बात को हम क्या कर रहे हैं हम जब बोलते हैं कि एंट एन तो वहाँ पर हमने एक ब्लॉक बना लिया है मेमोरी में, में जिसका नाम एन है और जिसके अंदर स्टार्टिंग में ऐसी कोई गार्बेज वाली पड़ी होगी ठीक है अब आपने क्या किया आपने बोला है कि सी इन एन तो अब ये आपके इनपुट का वेट कर रहा है जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तीन चार पाँच दस जो भी आपका मन करे तब तक ये कुछ और नहीं करेगा इसके आगे वाली स्टेटमेंट तक नहीं जाएगा मान लीजिए मैं यहाँ पर कोड में लिख दूँ सी आउट हैलो तो ये हेलो प्रिंट नहीं करेगा जब तक मैं एन इनपुट में नहीं देता कैसे पता लगेगा रन करके देखते हैं ये आपका आउटपुट यहाँ पर आना चाहिए आउट रन किया हमने कुछ भी नहीं आ रहा देखो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आ रहा है ये मेरे इनपुट का वेट कर रहा है अगर मैं यहाँ पर कोई इनपुट दे दूँ मान लो मैंने टू दे दिया टू एंटर तो देखो हेलो प्रिंट हो गया जब तक आप इनपुट नहीं देंगे आगे वाली लाइन में एग्जीक्यूशन नहीं जाने देगा तो सी इन एन या सी इन कुछ भी मैं करता हूं तो वो उस वेरिएबल नेम में उसी टाइप के डेटा को इनपुट मांग रहा होता है इनपुट मिलते हुए उसमें स्टोर करा देगा ठीक है तो यहां पे क्या मतलब है कि मुझे एन की वैल्यू दे दो मैंने एन की वैल्यू ले ली अगर मुझे प्रिंट कराना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई वैल्यू ऑफ एन इज अब मैंने यहाँ पे बोला कि एन की वैल्यूज ये तो स्ट्रिंग है जैसे मैं लिखूंगा जो भी लिखूंगा वो यहां पे प्रिंट हो जाएगा सेम टू सेम जो भी आप डबल इन्वेटेड कॉमा डालेंगे प्रिंट हो जाएगा अब मैंने यहाँ पे रन करके कर कर दिखाया रन करा कुछ नहीं आया इनपुट मांग रहा है तीन तो इसमें मतलब वैल्यू ऑफ एन इज थ्री समझ आ गई ये ये हमें अब चीज़ें समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं मैं आपके साथ बात कर रहा था इस बारे में क्या है ये है ना हम तो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले थे जहाँ पे बताएंगे कि यार ए जो है वो पॉजिटिव है या फिर ए जो है वो नेगेटिव है ये डिस्कस कर रहे थे ना हम कैसे पता लगेगा ये पहले सिंपल सा ए ए बोला ना हम तो उसको ना, इसका नाम चेंज करके ए कर लेते हैं हमने क्या बोला कि यार इफ ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो क्या मतलब इस बात का यानी इफ ए इज पॉजिटिव तो भाई ऐसा करो इस ब्लॉक के अंदर आ जाओ इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो यहां मैं लिख दिया यार ए इज पॉजिटिव रन करके देखते हैं रन करा इसने बोला पांच मैंने बोला पांच इसने बोला ए इज पॉजिटिव अगर मैं माइनस पांच डालता या माइनस कोई भी नंबर डालता तो क्या होता क्लियर करते हैं पहले मैं इसको मैंने रन किया इनपुट देना पड़ेगा मैंने लिखा माइनस फोर इसने कुछ भी नहीं लिखा क्यों क्योंकि माइनस फोर हुआ यहां पे चेक हुई कंडीशन कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ये तो लेस देन जीरो हो गया तो वो इसके अंदर आया ही नहीं ठीक है अब अगर यहां पे एल्स लगा देता और रन करता और यहां लिख कि ए इज नेगेटिव तब क्या होगा रन किया मैंने बोला माइनस चार इसमें आ गया ए इज़ नेगेटिव क्या हुआ इनपुट आया ए में माइनस चार यहाँ पर कंडीशन चाहे कोई फॉल्स तो इसके अंदर नहीं गया जब इसके अंदर नहीं जाएगा तो वो एल्स के अंदर ही जाएगा ठीक है तो अगर इनकेस यहाँ पर ज़ीरो भी होता तो वो इसके अंदर आ जाता क्योंकि मैंने तो कंडीशन एज गि जीरो लगाई है तो यहाँ पर आ गया ये चीज़ समझ में आ चुकी है हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है भैया वो ए देन बी वाला करना एक बार क्या था उसमें समझते हैं एक बार उसमें ये था कि अगर ये बड़ा है तो भाई ऐसा लिखो आंसर ए है और अगर ये बड़ा है तो ऐसा आंसर जो है बी ये हमारा क्वेश्चन था इसको करते हैं भाई कोड करने का एक बार ट्राई इसको कमेंट कर देते हैं हमने बोला इंट ए कॉमा बी और मुझे दोनों इनपुट लेना है तो मैंने बोला सीन ए कि भाई पहले ए ले लो फिर बी भी ले लेना अब ये क्या करेगा देखते हैं ये बोल रहा है सीन ए बी यानी पहले ए बता दो और फिर मुझे बी बता देना तो मैं फाइव लिखूँगा तो ए में चला जाएगा या कोई भी नंबर लिखूँगा पहले ए में चला जाएगा जब वो चला गया एंटर मार दिया फिर जो दूसरा नंबर लिखूँगा वो बी में जा जाएगा ठीक है मैंने बोला एंटर मार दिया इस बात को देखते हैं एक बार प्रिंट करते हैं वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ए स्पेस मारा बी इसको प्रिंट करते हैं एक बार देखते हैं क्या होता है मैंने बोला एंटर मारना है पहले मैंने वन डाल दिया फिर मैंने टू डाल दिया तो इसमें बोला वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ वन एंड टू वन को वन स्पेस टू ठीक है अगर मैं स्पेस मारता तो तब रन करके देखते हैं एक बार अब रन कर दिया मैंने बोला वन स्पेस टू तब भी चल गया यानी स्पेस में दूंगा तब भी आंसर आएगा एंटर मार के दूंगा तब भी आंसर आएगा अगर टैब करके डालता तब क्या होता दोबारा चला के देखते हैं एक बार फिर मैंने रन किया मैंने बोला वन टैब टू अब भी आंसर आ गया ठीक है तो इसका मतलब आपका जो सी इन है जो आपका सी इन है वो ना तो स्पेस को रीड करता है ना तो टैब को रीड करता है और ना ही आपके एंटर को रीड करता है ये जो है स्पेशल करेक्टर हैं जो दर्शाते हैं टैब को और एंटर को ठीक है स्लैश टी है या और स्लैश एन है तो ये तीनों करेक्टर जो है आपका सी इन रीड नहीं करता है इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है इसको हम बोलते हैं सी इन डॉट गेट उसकी नीड तो नहीं है समझाने के और बता देता हूँ एक बार कैसे होता है मान लो मुझे मैं यहाँ पे सी इन की जगह सी इन डॉट गेट यूज करता कैसे करते हैं ए इज इक्वल टू सी इन डॉट गेट और इसको एक बार हटाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है मान लो मैंने कमेंट कर दिया और मैंने बोला मैंने बोला वैल्यू ऑफ एज ठीक है तो इसको रन करते हैं एक बार और रन करके क्या आ रहा है अगर मैं यहाँ पे वन स्पेस टू डाल दूँ तो आंसर आ रहा है वैल्यू ऑफ एज फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन क्यों आ रहा है तो सीन डॉट गेट जो होता है ये आपको करैक्टर उठा के देता है यहाँ पे वन स्पेस टू जब ने दिया तो इसने वन उठा के दे दिया ठीक है अगर मैं स्पेस देता सिर्फ तो भी उठा लेता ठीक है तो ए के अंदर जो है वो वन की वैल्यू गई है ठीक है तो इसने करेक्टर दिया है ये वाला बट ए जो है वो तो इंटीजर टाइप का है तो वन करेक्टर की वैल्यू कहाँ मैप होती है फोर्टी नाइन एस्काई वैल्यू से आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एसकाई टेबल देखने के लिए बोला था आपने देखा नहीं होगा पक्का देखना है एक बार वो ठीक है तो ये चीज़ है इसलिए यहाँ पे फोर्टी नाइन प्रिंट हो रहा है हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे कि हम स्पेस को कैसे इनपुट में ले सकते हैं वो चीज़ देखते हैं दोबारा एक बार अगर मैं स्पेस दबाता तो क्या होता है देखते हैं एक बार अब मैंने रन किया मैंने स्पेस दबाया और मैंने एंटर कर दिया थर्टी टू आ गया डन है अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या होता है टेन आ गया अगर मैं टैब दबाता हूँ तो क्या होता है एंटर मारना पड़ेगा टैब के बाद लगता है ठीक है तो नाइन आ गई टैब की वैल्यू होगी नाइन और एंटर की वैल्यू होगी टेन स्पेस की वैल्यू होगी थर्टी टू एस का टेबल में आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को ठीक है तो सी डॉट गेट से आप स्पेस एंटर और आपका टैब इन तीनों को भी इनपुट में ले सकते हैं ये चीज़ समझ में आ चुकी है हमें अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर जो कि था इफ़ ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ तो मैंने दो वेरिएबल बनाए सीन ए और बी कर लेते हैं ठीक है हमने जब इनको इनपुट ले लिया तो इनपुट देते हैं पहले तो अच्छे से करते हैं इस बार ठीक है इसको हटाते हैं इसको हटा दिया हमने हमने बोला सी आउट एंटर दी वैल्यू हमने बोला एंटर value वैल्यू ऑफ ए आ गया फिर हमने ए की वैल्यू ले ली फिर हमने बोला कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा ठीक है सी इन बी अब आगे काम करना है अब मैंने बोला कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो भाई प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर ठीक है ये चीज हमने समझ ली अच्छा समझ गए अब भैया अगर दूसरी वाली कंडीशन होती तो तो मैं एक और इफ लगा लेता हूँ एक बार अगर मान लो बीस गिरदन ए होता तो मैं फिर लगा लेता हूँ मैंने लिखा गया आउट बी इज ग्रेटर समझ ये चीज़ हमें इसको मैं रन करके देखता हूँ एक बार इसको मैं क्लियर कर लूँ रन कर दिया ए की वैल्यू मांग रहा है मैंने बोला फाइव बी की वैल्यू मांग रहे हैं मैंने बोला फोर तो इसने बोला ए इज़ ग्रेटर तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया जो हमें बता सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा है एक और प्रोग्राम हम बनाते हैं अभी ठीक है जो कि हमें बताएगा एक नई चीज़ के बारे में हमें है कि या तो नंबर पॉजिटिव है या तो नंबर नेगेटिव है या तो नंबर ज़ीरो है ठीक है ऐसा कुछ बनाते हैं तो हम ये कैसे बना पाएंगे एक बार समझ लेते हैं मान लेते हैं कि हमें इनपुट में एक नंबर मिला फाइव हम क्या बोलते हैं यार अगर ये ग्रेटर दैन जीरो है तो तो भाई ये पॉजिटिव है या फिर हम क्या बोलते हैं कि यार अगर ये नहीं है तो एल्स हो गया तो आप इसके अंदर आ गए इसके अंदर आ गए आप अब आपके पास दो चीज़ें बती तो या तो नेगेटिव होगा या तो ज़ीरो होगा तो आपने क्या बोला इफ़ नंबर इज नेगेटिव तो आपने बोला कि नेगेटिव हो गया और फिर आपने एल्स लगाया अगर देखो यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव था तो अब यहाँ पर सिर्फ जीरो ही बचा होगा तो आपने बोला जीरो है और ऊपर वाले एल्स को आपने यहाँ बंद कर दिया तो इस प्रकार आपने एक प्रोग्राम बना लिया ठीक है इसको समझते हैं एक बार आपने बोला इंट ए इसको आपने इनपुट करा लिया आपने बोला कि यार दी वैल्यू ऑफ ए ठीक है अब आपने ये नीचे लिख दिया गलती कर दी इसको आपको ऊपर लिखना था ठीक है तो आपने ए की वैल्यू ले ली है अब आपको बताना है कि ये पॉजिटिव है आपने बोला यार इफ आपने बोला इफ ए देन जीरो तो भाई प्रिंट कर दूंगा कि ए इज पॉजिटिव डन इसके बाद तो आपको एक चीज आती है यार एल्स कर सकता हूं अब या तो नेगेटिव या जीरो दो दो चीजें बची हैं इन दोनों में से कुछ हो सकता है तो मैंने चेक किया इफ ए इज लेस देन जीरो मैंने बोला कि यार नेगेटिव है यार ये तो या फिर अगर अभी भी नहीं है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो भाई जीरो है ये, ये चीज हमने कर ली है समझ में आ गया हमें ठीक है अब इसको चला के देखते हैं हमने इसको रन किया गड़बड़ है उसने बोला एंडल क्या क्या कुछ नहीं लगाया आपने यहाँ पे सेमी कॉलन रह गया दोबारा चलाते हैं सही चल गया उसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ ए मैंने बोला भाई पंद्रह उसने बोला ए इज़ पॉजिटिव बहुत ही बढ़िया दोबारा उसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ ए मैंने बोला माइनस दो माइनस एक उसने बोला ए इज़ नेगेटिव सही चल रहा है एक और बार रन करते हैं उसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ ए मैंने बोला ज़ीरो बोला ए इज़ ज़ीरो बढ़िया चल रहा है है समझ में आ गई ये चीज़ हमें अब पर क्या इसको हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं हमने एक इफ लगाया फिर एल्स लगाया एल्स के अंदर एक और इफ लगा दिया मान लो आगे हम और चीजें चेक कर रहे होते तो क्या हम बार बार इसके अंदर इफ ही लगा रहे होते मान लो कुछ और चेक कर रहे होते तो हम फिर दोबारा इफ लगाते क्या और इसके अंदर कुछ देखते फिर हम फिर इफ लगाते क्या तो चीजें बहुत गंदी सी होती जा रही है इसको हम साफ सुथरे तरीके से कर सकते हैं करके दिखाता हूं तो एक और चीज होती है आपके पास इफ एल्स इफ तो आप क्या कर सकते हो एक इफ कंडीशन आपने लगाई फिर उसके बाद आप एल्स इफ़ ब्लॉक लगा सकते हैं एल्स इफ़ एक और कंडीशन लगाई यहाँ कुछ आ गया फिर आपने एल्स इफ़ एक और कंडीशन लगाई यहाँ पे कुछ आ गया एल्स इफ यहाँ पे कुछ आ गया ठीक है और आप चाहें तो इसको एल्स से एंड भी कर सकते हैं एल्स यहाँ कुछ आ गया तो इस प्रकार आपने ये चीज़ सीख ली है कि यार इफ़ एल्स इफ़ करके भी कोई चीज़ होती है इफ बहुत सारे एल लगा सकते हैं फिर एंड आप एल चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो कर सकते हैं ठीक है तो मान लो कि अगर मैंने इसको इस तरीके से किया होता कि मैंने इसको लिख दिया कि यार इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो ये कर दो एल सिफ ए इज लेस देन जीरो तो ये कर दो इतना छोड़ते हैं पहले फिर देखते हैं क्या होता है इससे क्या क्या चीज़ होगी इससे समझते हैं पहले एक बार हमने रन कर दिया उसने इनपुट मांगा मैंने बोला भाई नाइन उसने बोला एज पॉजिटिव फिर से रन कर दिया उसने इनपुट मांगा मैंने बोला माइनस एट उसने बोला नेगेटिव अब उसने फिर से फिर से रन करते हैं हमने इनपुट दिया जीरो उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि हमने ज़ीरो की कंडीशन लगाई अभी हमने सिर्फ इफ एल यूज़ किया है अब अगर वो पॉजिटिव नहीं है अगर वो नेगेटिव नहीं है तो वो क्या होगा वो जीरो ही होगा ना यार क्योंकि आपके पास तो या तो पॉजिटिव नंबर होते हैं या नेगेटिव नंबर होते हैं जीरो होता है तो आपने एल्स लगा के खत्म कर दिया और बोला कि भाई ए जीरो ठीक है आपने रन करा आपने बोला जीरो उसने बोल दिया जीरो है तो ये कितना साफ लग रहा है पुराने वाले कोड से ठीक है तो हमें ये चीज समझ में आ गई हम चाहे तो बहुत सारे इफ लगा सकते हैं ठीक है चलते हैं वापस हमने क्या क्या सीख लिया हम चाहें तो बहुत सारे इफ कंडीशन लगा सकते हैं ठीक है हम चाहें तो इफ के साथ एल्स लगा सकते हैं ठीक है हम चाहें तो इफ के अंदर कुछ लगा सकते हैं हम चाहें तो एल्स के अंदर भी कुछ और डाल सकते हैं जो हमारा मन करे हम चाहें तो बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक कर सकते हैं इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करके और अगर हम चाहें तो इसको हम एंड भी कर सकते हैं एल्स का यूज़ करके एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन ये हो गई ठीक है तो मैंने क्या बोला कि अगर तू 50 के ऊपर गए तो तू बुढ़ा हो चुका है अगर तू 20 के नीचे गाए तो तू अभी बच्चा ही है नहीं तो डिफ़ॉल्ट केस में तू जवान है और तगड़ा है डिफॉल्ट केस तो इसको कोड हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इफ एज ग्रेटर देन फिफ्टी यू आर ओल्ड एल्स इफ एज लेस देन ट्वेंटी यू आर बचपन एल्स जो कि डिफॉल्ट केस है डिफॉल्ट एल्स एल्स डिफॉल्ट केस है यू आर जवान एंड तगड़ा डन है तो ये चीज मैं समझ में आ चुकी यार मल्टीपल इफ लगा सकते हैं इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं इफ एल्स लगा सकते हैं इफ और एल्स के अंदर मल्टीपल इफ एल्स लगा सकते हैं या इफ लगा सकते हैं इफ एल्स इफ लगा सकते हैं है, और चाहे तो उसको एल्स एंड भी कर सकते हैं डिफॉल्ट केस के लिए तो इफ वाली चीजें थोड़ी दिमाग में समझ आनी शुरू हो चुकी है, आ गया है। क्या हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या आपको क्वेश्चन कौन सा दूंगा है? आपको यहां पर कुछ आउटपुट के क्वेश्चन दिखेंगे उन आउटपुट के क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है और जिसका आंसर सही होगा उसमें टॉप थ्री बंदों को उठा के हम उनको गिफ्ट भेज देंगे जीवनआईडी पर जी एन आई डी जरूर लिख के जाना ठीक है एक क्वेश्चन आपको कोड करने के लिए मैं देता हूं वो करो देखो तो मान लेते हैं कि आपको मैंने करेक्टर दिया इनपुट में सी एच ठीक है अब ये करेक्टर या तो ए के जी के बीच में लाई करेगा या तो कैपिटल ए से कैपिटल जी के बीच में लाई करेगा या तो ये जीरो से नाइन के बीच में आएगा अगर वो इसके अंदर है तो आपको प्रिंट कराना है दिस इज लोअर केस या स्मॉल केस जो भी आप लिखना चाहें जो आपको अच्छा लगे इसको आप लिखोगे क्या अगर इसके बीच में लाइक करता है कि भाई दिस इज अपर केस ठीक है अगर इनके बीच में लाइक करता है तो आप लिखोगे दिस इज न्यूमरिक ये प्रिंट कराओगे अगर आपको प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला केस समझ में आ गया जो भी कोड ही सामने पड़ा है स्क्रीन पे तो आप ये वाला कोड भी कर लोगे ये आपको होमवर्क है यार इसको आपको होमवर्क में करके लाना है कोई भी कोर्स किसी प्रकार का मटेरियल आपको प्लेस नहीं करवा सकता जब तक तो आप खुद मेहनत नहीं डालोगे तो जब तक तो होमवर्क नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला कुछ समझ नहीं आएगा करो तब चीज़ें क्लियर होनी शुरू होगी और इसको मूवी की तरह मत देखना साथ में लैपटॉप कॉपी किताबें लेके बैठना और कोड करना साथ साथ ठीक है जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आपको रिपीट भी करनी है ताकि दिमाग में रहे वो चीज़ें आगे बढ़ते हैं अब हमने फ्लो चार्ट पढ़ते टाइम एक चीज़ और देखी थी यार जिसको हम लूपिंग बोल रहे थे उस टाइम पर कि यार लूपिंग है ये मैंने आपको बोलता है ये लूपिंग हो रही है अगर आपको याद हो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था जब हम वन से एन तक प्रिंट करा रहे थे चीज़ें तो हमने कुछ पढ़ा था कि यार हम डिसीजन में ऐसा कुछ कर देंगे कि इज़ आई लेस देन इक्वल टू एन ठीक है अगर नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे सीधा एंड कर देंगे और अगर होगा तो हम क्या कर देंगे आई को प्रिंट करा देंगे और उसके बाद आई को आगे बढ़ा देंगे और वापस ऊपर जाएंगे इसको मैंने आपको बोलता है कि लूपिंग है याद होगा आपको ठीक है इस चीज को कोड के रूप में कैसे करना है अगर मुझे आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना हो कि यार मैंने आपको बोला कि मैं फिर दोबारा ना प्रिंट कराना चाहता हूं प्रिंट नंबर्स टू नंबर कोड कैसे करेंगे तो यहां पे एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं इसको बोलते हैं हूँ लूप ठीक है हमने कंडीशंस तो पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा उसका यूज होने वाला है यहां पर वाइल्ड लूप क्या होता है भैया अभी बताते हैं तो मैंने आपको बोला यार बहुत आसान चीज़ है जो हमने ऊपर ये पढ़ा अभी वैसा ही कुछ कुछ है क्या होता है देखो वाइल्ड लूप क्या होता है हमने बोला यार वाइल ये कोई कंडीशन है और ये है तो ये क्या करेगा कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू है जब तक ये कंडीशन ट्रू है जो भी इसमें लिखा है ना वो करता जाए ये है बस ठीक है इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मुझे केले बहुत पसंद है मेरे सामने केले की रेडी वाला है और मेरी जेब में कुछ पैसे हैं मान लेते हैं सत्तर रुपये हैं तो जब तक मेरी जेब में सत्तर रुपये हैं जब तक मेरी जेब में एक रुपये बचे हुए हैं मुझे केले खाते जाने हैं मैंने दस के लिए 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 सत्तर पूरे लग गए अब पैसे खत्म हो चुके अब मैं और केले नहीं खरीद सकता ना खा सकता चोरी हम कर देंगे ठीक है चोरी हम करेंगे नहीं सिंपल चीज़ है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक बेटा ये सारे काम करता जा तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर क्वेश्चन आपके पास ये है कि प्रिंट वन टू एन तो आप क्या बोलोगे कि जब तक भाई तूने एन प्रिंट ना करा लिया हो तब तक तू प्रिंट कराता जा नॉर्मल भाषा में आपको चीजें बता रहा हूँ मैं अभी ठीक है अब करेंगे कैसे फ्लो चार्ट में हमने कैसे किया था फ्लो चार्ट में हमने क्या किया था हमने एक स्टार्ट लिया था ठीक है हमने फिर जो आपका एन है उसको रीड किया था कि यार एन की वैल्यू क्या है मान लेते हैं फाइव है फिर हमने एक आई बनाया था कि यार लेट आई इज इक्कल टू वन क्यों बनाया था क्योंकि हमें पता है कि अगर वन से फाइव तक प्रिंट करना है स्टार्टिंग तो वन से ही हो ना वन टू थ्री फोर फाइव वन से एन में प्रिंट करना है कुछ भी तो हमेशा स्टार्ट तो वन से करोगे तो इसलिए आपने आई बनाया था अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई थी कि इज़ आई लेस देन इक्वल टू एन क्यों लगाई थी क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम पाँच तक पहुँच चुके अगर पाँच तक पहुँच चुके रुकना है और आगे प्रिंट नहीं करना है तो रुकने के लिए हमने कंडीशन लगा दी थी तो अगर वो पाँच से आगे जा चुका है तो हम बोल देंगे कि भाई रुक जा खत्म करते अब सब कुछ एंड कर दिया अगर वो अभी भी छोटा है तो आप क्या बोलते हो कि यार पहले प्रिंट करा लेता हूँ फिर आगे बढ़ा दूंगा है ना अगर मैं वन पे था पहले प्रिंट करा लेता हूँ फिर दो बन जाऊँगा प्रिंट करा लेता हूँ फिर तीन बन जाऊँगा प्रिंट करा लेता हूँ फिर चार बन जाऊँगा प्रिंट करा लेता हूँ फिर पाँच बन जाऊँगा इस तरीके से हम गेम खेल रहे थे तो प्रिंट कर दिया आई और फिर हमने बोला कि यार आई को ना आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि आगे भी तो जाना है और फिर यहाँ से वापस यहाँ चला गया था मान लेते हैं आई वन था मान के लेते हैं आई वन ही था आप यहाँ पे आए कंडीशन चेक हुई वन लेस देन इक्वल टू फाइव आप यस yes में आ गए आपने प्रिंट करा दिया वन प्रिंट हो गया कॉमा आई आगे बढ़ गया अब आई टू हो गया जब टू यहाँ गया टू लेस देन इक्वल टू फाइव फिर नीचे आ गए आप फिर टू प्रिंट हो गया इस प्रकार आप करते करते गए पाँच तक आ गए फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव फिर नीचे आ गए फाइव प्रिंट हो गया और ये सिक्स बन गया फिर आप सिक्स को लेके ऊपर गए सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव गलत तो आप नौ में चले गए आपने एंड कर दिया इस प्रकार आपका वन टू थ्री फोर फाइव पूरा प्रिंट हुआ होगा इसको कोड की फॉर्म में करना है सेम करेंगे हमने क्या बोला हमने बोला यार इंट एन सबसे पहले मुझे बताओ एन क्या है इनपुट ले लिया ठीक है यही किया था हमने यहाँ भी रीड किया था फिर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट आई इज इक्ल टू वन क्योंकि गिनती वन से स्टार्ट करनी है फिर हमने बोला वाइल और यहाँ कोई कंडीशन लगाई अंदर क्या किया कंडीशन क्या है कि मुझे पता होना चाहिए कब रुकना है तो i लेस देन इक्ल टू एन ये कंडीशन हमने लगा दी है कि यार जब तक ये छोटा है या बराबर है तब तक आओ क्योंकि मुझे पता है मुझे वन से फाइव प्रिंट करना है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये क्या है वन फाइव से छोटा है टू फाइव से छोटा है थ्री फाइव से छोटा है फोर फाइव से छोटा है फाइव फाइव के बराबर है इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू लगा दी फिर हमें क्या करना है प्रिंट करना है आई की वैल्यू तो हमने यहाँ पे सी आउट लगा दिया सी आउट आई और फिर हमें आई को आगे बढ़ाना है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन हमने ये बंद कर दिया और इसी प्रकार हमारा कोड प्रिंट कराने का हो चुका है लिखना कैसे है ये समझते हैं पहले हमें वही सब कुछ लिखना पड़ेगा यार ठीक है पहले हमने ये लिख लिया फिर हम अपना इंट मेन बना लेते हैं एक बार हमने बोला यार पहले ना इनपुट दे दो इंट एन और सी इन एन इतना कर लिया हमने हमने क्या बोला यार एक आई बनाते हैं वन जिसको वन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि गिनती तो वन से शुरू करनी है हमने एक वाइल लिखा जब जब तक आई लेजन इक्वल टू एन हो तब तक चलेगा ठीक है हमने बोला कि आई को प्रिंट कर दो मैंने बोला आई को प्रिंट कर दो और बीच में स्पेस दे दो मर्जी आपकी मेरे को स्पेस से अच्छा लगेगा मैंने स्पेस लिख दिया और आई को ना आगे बढ़ा देना आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन डा समझ में आ गई इतनी चीज़ें चला के देखते हैं इसको रन क्लियर कर देता हूँ मैंने बोला रन करो उसने बोला ठीक है कुछ लाए क्यों नहीं इनपुट का वेट कर रहा है सी एन लिखा है हमने बोला पाँच एंटर कर दिया उसने लिखा वन टू थ्री फोर फाइव डन तो उसने आपके सामने पाँच तक गिनती प्रिंट कर दी मान लो मैंने कोई और इनपुट दिया होता मैं बोलता कि यार ऐसा करो एरर आ गया अब एरर क्यों आया देखते रन करते दोबारा शायद मैंने कुछ हटा दिया करेक्टर चल गया ठीक है वेट कर रहा है मैंने बोला दस उसने दस तक गिनती प्रिंट कर दी समझ आ गई चीज़ कि आसान है यार तो कुछ खास मुश्किल था नहीं हमें बस एक कंडीशन पता होनी चाहिए बस उसके बाद तो अंदर वाला हम खुद ही लिख लेंगे सिंपल है क्योंकि अंदर तो वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर दिया और जो हमारा ये आई है आगे बढ़ाना पड़ेगा समझ में आई ये चीज़ थोड़ी थोड़ी आई भैया चलो एक और चीज़ करते हैं मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया कि यार ऐसा करो सम निकालो वन से अंत तक जितने भी नंबर हैं उन सबका आप बोल रहे हो ठीक है समझ आ रहा है तो हमने क्या बोला कि यार वन टू थ्री फोर फाइव ये सारे नंबर है इनका सम निकालना है तो शुरुआत वहीं से है फ्लो चार्ट हमने ऑलरेडी इसका बनाया था तो आई स्टार्टिंग में वन होगा सम हमने शुरू में जीरो ले लिया शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना सम हमने शुरू में जीरो ले लिया अभी तो जीरो अभी तो किसी को नहीं लिया हमने तो अब क्या हुआ वन जो है वो इसमें प्लस हो गया तो अब सम वन बन गया आई को हमने एक आगे बढ़ा दिया दो टू जो है वो इसमें प्लस हो गया ये थ्री बन गया इसको हमने आगे बढ़ा दिया थ्री हो गया थ्री जो है इसमें प्लस हो गया ये सिक्स बन गया थ्री को हमने आगे बढ़ा दिया फोर फोर जो है सिक्स में प्लस हो गया ये हो गया टेन और ये हो गया फाइव फाइव जो है वो इसमें प्लस हो गया और ये हो गया फ़िफ्टीन इसको हमने आगे बढ़ा दिया बट सिक्सों में चाहिए नहीं तो हम भैया रुक गए रुक गए हमारा आंसर फिफ्टीन आ गया समझ में आ गया भैया बड़ा आसान सा था सिंपल जब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव करोगे तो फिफ्टीन आएगा चेक कर लेना कोड करना है। सिंपल सा है। हमने क्या बोला सम शुरू में जीरो है आई शुरू में वन है और हमने बार बार क्या किया है हमें पता रुकना कब है जब वाइल आई than इक्वल टू n यहाँ तक चलाना है इसके बाद रुक रुक जाना है जैसे ही आई आपका पाँच से बढ़ जाएगा तब रुक जाना है तो हमने अंदर क्या किया है हमने क्या किया सम के अंदर आई प्लस किया है हमने बोला कि भाई सम इज इक्वल टू सम प्लस आई और आई को हमने आगे बढ़ा दिया खत्म बन गया गोल्ड सिंपल लिख के देखते हैं शुरुआत में फिर दोबारा वही चीज़ें कोई छोटा तरीका है भैया बार बार ना लिखना पड़े बिल्कुल है बताएंगे आप आगे थोड़ा वेट करें हमने बोला कि यार पहले ना एन बता दो क्या है और उसको मुझे इनपुट में दे दो थोड़ा तो आपको अच्छी विजिबिलिटी के लिए ऐसे कर देते हैं ये बात समझ में आ गई है ठीक है भैया अब क्या करूँ एंट आई इज टू वन कर दिया इसको यूज़ करूंगा मैं वाइल्ड कंडीशन के अंदर क्योंकि मुझे पता है गिनती हमेशा वन से स्टार्ट होनी है एंट सम इज़ इकल टू जीरो कर दिया क्योंकि शुरू में कुछ पता ही नहीं यार शुरू में कुछ लिया ही नहीं है मैंने तो समझी तो स्टार्ट होना चाहिए कॉमन सेंस ठीक है लेस इक्वल टू जब तक आपका जो I है जो आप गिनती जो काउंटर चला रहे हैं वो एन से नीचे है या एन के बराबर है तब तो तक चलाओ एन से ऊपर जाती रोक देना ये कह रहा है अब सम क्या कर रहा है सम प्लस आई और आई क्या कर रहा है आई प्लस वन हो गया अब मुझे बस सम को प्रिंट कराना है मैंने बोला यार वैल्यू ऑफ सम चलो मन की बात क्लियर कर ग्रहण करते हैं, simple. कुछ बोल नहीं रहा इनपुट मांग रहा है हमने बोला फाइव इसने बोला फिफ्टीन डन है अब मुझे मान लो कि बड़े नंबर का निकाल लो मैंने बोला यार हंड्रेड का निकालियो इसने बोला फिफ्टी फिफ्टी डन है आगे समझ में इसको नहीं समझ में फिफ्टी फिफ्टी वेरीफाई करना हो तो फॉर्मूला आपको याद होगा आपने बच्चों ने पढ़ा होगा तो सम का फॉर्मूला क्या होता था एन अपॉन टू ए प्लस एल एन यहां पर है हंड्रेड अपॉन टू पहला नंबर है वन एंड लास्ट नंबर है हंड्रेड तो ये हो गया पचास पचास इंटू ग्यारह फिफ्टी फिफ्टी सॉरी एक सौ एक समझ में आ गई चीज तो इस प्रकार आपका ये आंसर सही आ गया क्या भैया ये फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते थे भाई बिल्कुल निकाल सकते थे पर फिर आपको लूप समझ में कैसे आता ठीक है निकालने को तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे हम पर लूप समझ में नहीं आता ना फिर तब लूप आपको हमने समझा दिया चलो ठीक है अब यहां एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन ले लो चलो आपके पास वन से एन तक सीरीज है ठीक है आपको इनपुट दे दिया मैंने एन मैंने आपको बोला यार फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर इसका हमने फ्लो चार्ट बनाया था यार अब आपको इसका कोड लिखना है कुछ नहीं है कुछ भी चेंज नहीं है छोटा सा चेंज है जहां पे वन की जगह टू आ जाएगा ठीक है तो ये कोड आपको खुद लिखना है होमवर्क में जब तक नहीं लिखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा पहले बता रहा हूं तो ये खुद लिखना पड़ेगा आपको ठीक है ये हो गया और एक क्वेश्चन होमवर्क में आपके सामने यहां पर आ रहा होगा और फेरानाइट सेल्सियस वाला टेबल ये भी आपको खुद करना है फेरानाइट टू सेल्सियस टेबल ठीक है ये खुद करना है वाइल्यू आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्या हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं भैया बिल्कुल कर सकते हैं क्या हम प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमने फ्लो चार्ट में सीखा था क्या था भैया वो उसमें क्या था कि आपको एक नंबर दिया हुआ है आपको बताना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है प्राइम और नॉट। मान लेते हैं एन के अंदर फाइफ है तो फाइफ प्राइम होता है हमको पता है पर कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कैसे पता लगेगा वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिर्फ या तो वन के टेबल में आता हो या फाइव के टेबल में आता हो इन तीनों के टेबल में या जो भी बीच में है उनके टेबल में नहीं आना चाहिए कैसे पता लगता है टेबल में नहीं आना चाहिए क्या मतलब है कि आप जब इनसे मॉड करो तो वो जीरो के इक्वल ना हो ठीक है फाइव मॉड टू जो होता है वो वन होता है फाइव मॉड थ्री जो होता है वो टू होता है और फाइव मॉड फोर क्या होता है वन होता है ये मॉड क्या होता है ये हमने समझा था पहले पिछली क्लास में मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है इसका काम क्या होता है ये आपको रिमाइंडर दे देता -दे है कि जब फाइव से फाइव टू से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर वन आएगा फाइव थ्री से डिवाइड होगा टू रिमाइंडर आएगा फाइव फोर से डिवाइड होगा तो वन रिमाइंडर आएगा तो हम क्वेश्चन अभी करेंगे जिसमें बताएंगे गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट चलो शुरू करें हमने एक नंबर लिया इंट एन सीन एन हमें बताने की प्राइम है या नहीं है सिंपल सा लॉजिक है हमें क्या करना होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मान लो मुझे नाइन बताना होता तो मुझे क्या करना पड़ता मुझे टू से लेकर नाइन से पहले तक जितने भी नंबर है इन सब से नाइन को डिवाइड करके देखना पड़ता अगर कहीं से भी एक बार डिवाइड हो जाए तो भाई ये प्राइम नहीं होता यानी कि अगर मॉडल कहीं से भी जीरो आ गया तो भाई साहब नॉट प्राइम है और अगर मॉडलस जीरो नहीं आया तो भाई साहब प्राइम है ठीक है ये समझ में आ गया मॉडल जीरो आ गया मतलब इसके टेबल में लाई करता है जैसे तीन के टेबल में नाइन आ जाएगा तो वहाँ पे जीरो आ जाएगा मॉडल्स में अगर मॉडल जीरो नहीं आया यानी भाई इसके टेबल में नहीं आता जैसे मैं दो से डिवाइड करूँगा तो, तो रिमाइंडर वन आता है तो इस टेबल में नहीं आता दो के है ना ये चीज़ समझ गए तो हमें करना है एक से नौ के बीच में या एक से एन के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सबसे डिवाइड करके देखना है और अगर प्राइम चाहते हो तो जीरो मॉडल्स नहीं आना चाहिए अगर प्राइम नहीं चाहते तो जीरो आ जाएगा समझते हैं चीज करके देखते हैं एक बार हमने बोला कि एंट आई इज इक्वल टू वन वन रखना चाहिए पर वन से तो हर कोई डिवाइड होता है वन नहीं रखेंगे हमेशा ट्रू से शुरू करना है इस बार क्योंकि प्राइम नंबर वन और एन में आएगा उसके बीच में नहीं आएगा हम यहाँ पे सीख चुके हैं ना यार कि हमेशा ऐसे जाना है अगर मान लो वन से इलेवन तब भी यहां टू ही होता तो शुरुआत तो हमें टू से होने वाली है और एंड हमेशा जो भी लास्ट नंबर है उससे एक कम लास्ट नंबर हमेशा एन होगा तो ये एन माइनस वन होगा अब समझ में आ रही धीरे धीरे चीजें हमें शुरुआत हमने कर ली आई इजल टू टू से अब हमने बोला यार वाइल हमें कब रुकना है जब हम एन हो जाए है ना अगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है तो जब सेवन आ जाए तो मुझे रुक जाना है सेवन से डिवाइड करके नहीं देखूंगा मैं नहीं तो सेवन से डिवाइड करूंगा तो जीरो ही जाएगा तो एन पे रुक जाना है आ जाए तो रुक जाना है मुझे है ना तो अब मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ इसका मतलब है कि एन से कम होगा तो चलेगा इसका मतलब है कि एन से कम या बराबर होगा तो चलेगा एन से बराबर तो हम चले नहीं सकते तो हमने लिखा कि एन से कम होना चाहिए हमेशा आई लेस देन एन ये चीज़ हमें समझ में आ गई दोबारा समझा दे इतना नहीं समझ आई तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हमने बोला कि भाई सेवन तू प्राइम नंबर तभी होगा जब तू वन और सेवन को हटा के बीच में जितने भी नंबर हैं उनमें से किसी से भी डिवाइड ना हो पाए तेरा रिमाइंडर किसी में भी जीरो ना आए तभी मैं तुझे प्राइम बोलूँगा भाई नहीं तो प्राइम नहीं बोलूँगा तो इसका मतलब क्या है कि तू मैं टू से लेके कर एन माइनस वन तक ठीक है तो दो केस हैं या तो लेस देन एन लिखूँ या फिर लेस देन इक्वल टू एन लिखूँ क्या लिखूँ अगर लेस देन एन लिखूंगा तो छः पे रुक जाऊँगा अगर लेस देन इक्वल टू एन लिखूंगा तो भाई पे आ जाऊंगा बट अगर साथ पे आ गया तो सेवन मॉडल सेवन टू जीरो होता है तो ये तो मुझे लेना ही नहीं है ना दोस्त तो हमें लेस देन एन लेना है तो हमने लिखा कोड में आई लेस देन एन तो अब हमें ये समझ में आ गया कि आई लेस देन एन क्यों करना है ठीक है अब हम कोड लिखते हैं आगे का हमने बोला कि अगर इफ़ एन मॉडल आई इज इक्वल टू इक्वल टू ज़ीरो क्या मतलब इस बात का कि एन को आई ने डिवाइड कर दिया यानी कि डिवाइड हो गया इसका मतलब नॉट प्राइम तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी आउट नॉट प्राइम ठीक है ये समझ गए अब इसको रन करके देखते हैं हमने रन किया हमने बोला कि यार फोर्टीन को चेक कर अरे 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 बहुत सारे आ गए हटाते हैं इसको हटाते हैं तो बहुत सारे नॉट प्राइम लिखे हुए क्यों आए हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत मेन चीज़ हम लिखना भूल गए वो क्या था आई को आगे बढ़ाना आई इज इक्वल टू आई प्लस वन अब रन करके देखते हैं एक बार तो ये बहुत बार हो गया आपने यहाँ आप पे इसको आई को आगे बढ़ाना इंक्रीमेंट करना भूल जाओगे तो इन्फानट लूप में चला जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा टू ही है और टू को बार बार चेक कर रहा है इनसे कंपेयर करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है और बार बार लूप चले जा रहा रुक ही नहीं रहा रुकने के लिए आपको आगे बढ़ाई तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना फिर वो एक टाइम ऐसा जब एन से आगे चला जाएगा तब आपका लूप रुक जाएगा रन करते हैं एक बार हमने रन किया हमने बोला इसने बोला कहीं गलती है भाई दोबारा अच्छा वन सेलेक्ट किया होता अब देखते हैं हम रन किया उसने बोला बताओ इनपुट हमने बोला चौदह उसने बोला नॉट प्राइम नॉट प्राइम दो बार आया ही अब ये दो बार क्यों आया क्योंकि ये दो बार टेबल में आया होगा किसी ना किसी के ठीक है देखते हैं पहला तो ये टू के टेबल में आया होगा फिर बाद में सेवन के टेबल में आया होगा तो इसमें इसने बोल दिया नॉट प्राइम और सेम यहाँ भी तो इस बार इसलिए दो बार आ गया ठीक है तो ये बात मैं समझ में आ गई है भैया अगर मैं एक ही बार लिखना चाहूँ तो, तो एक बहुत प्यारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद अगले लेक्चर के अंदर वो सीखने के बाद हम इसको दोबारा कोड को दोबारा लिखने वाले हैं अभी हमें है ये समझ में आ गया कि वाइल्ड लूप का यूज़ करके मैं कैसे बता सकता हूँ कौन सी चीज प्राइम है कौन सी नॉन प्राइम है ठीक है ये बात समझ में आ गई अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एल्स अगर कोई ऊपर वाला नॉन प्राइम है तो एल्स केस में तो सिर्फ प्राइम ही आएगा तो मैंने लिख दिया एल्स प्राइम तो ये क्या करेगा जितने जितनों के टेबल में वो आ रहा है उन सब के लिए प्राइम लिख देगा ठीक है अगर मैं ऐसे लिखूँ एल्स प्राइम फॉर यहाँ पे आई लगा दूँ और यार नॉट प्राइम फोर लिख दूँ यहाँ पे आगे लगा दूँ अब चला के देखते हैं एक बार अब अगर मैं लिखूँ फोर्टीन तो देखो उसने बोला नॉट प्राइम फॉर टू इन सब के लिए प्राइम नॉट प्राइम फॉर सेवन इन सब के लिए प्राइम सब बता दिया उसने अब अगर मैं लिखूँ कि यार इलेवन तो एलेवन यार सब लिए प्राइम है क्योंकि किसी के भी टेबल में नहीं आता है ये चीज़ मैं समझ में आ गई कि ठीक है भाई आप थोड़ा थोड़ा कोड समझ में आना लग गया है मेन चीज़ जो आपको ये समझ में आनी पड़ेगी कि रुकना कब है यहाँ पर मैं पता था कि यार हमेशा लास्ट नंबर से पहले रुकना है क्योंकि यार सेम नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो तो आई जाएगा तो वो वहाँ रुक जाना है तो इतनी बात मैं समझ में आ चुकी है अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा आगे निकलते हैं वाइल्ड लुप हमने खत्म कर लिया है क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क में दे दिया है अब हम बढ़ते हैं पैटर्न की तरफ यहाँ पर देखते हैं एक बार पैटर्न इसमें आपकी वाइल्ड लूप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और पैटर्न क्यों करना पड़ता है क्या कोई मुझसे पूछेगा पैटर्न आगे हो सकता है बहुत रेयर केस में आसान सा पैटर्न क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए बहुत में तो पढ़ क्यों हो रहे हैं क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी आप कोड करने में आपको बहुत आसानी होगी पैटर्न वन करते हैं पैटर्न है? पैटर कैसा होता है मैंने आपको बोला बोला प्रिंट करा के दिखा दो आपने बोला भाई पहले तो स्टार ढंग से बनाओ और ये क्यों बनाऊंगा मतलब क्या क्या होगा इससे फायदा ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी लॉजिक मेकिंग की और आप वाइल लूप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे यार या लूपिंग से आप अच्छी तरह वाकिफ हो जाओगे कि लूपिंग होती क्या है ठीक है पैटर्न वाले क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है दो चीजें पकड़नी है उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी कोई कह रहा है मुश्किल है तो भी इसको बना रहा है ठीक है चलो अगर हमें बनाना है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में क्या करनी है यार रो कितनी है ठीक है एक दो तीन चार मुझे क्या समझ में आ रहा है चार रो है मुझे पता लग गया कि यार रो तो चार है ये चीज समझ में आ गई आप आपको आप देखना है कि हर रो में कितने कॉलम है आपने बोला कि यार फर्स्ट रो में चार कॉलम है सेकेंड रो में चार कॉलम है थर्ड रो में चार कॉलम है फोर्थ रो में चार कॉलम है अब आपको यहां से रिलेशन निकालना है एक फॉर्मूला रिलेशन क्या है आपको सीधे सीधा दिख रहा है यार कि जितनी आपकी रो है उतना ही आपका कॉलम आ रहा है तो हर रो के लिए आपके कॉलम भी रो के इक्वल आ रहे हैं फर्स्ट रो में कितने कॉलम होंगे जितनी रो है सेकेंड रो में कितने कॉलम होंगे जितने रो है समझ में आ गई ये चीज इसको ऐसा समझते हैं अगर मान लो इस ये पैटर्न ऐसा होता तो फिर दोबारा आपके लिए आसान हो गया आपने बोला कि रो तो तीन है और हर रो में एंथ रो में कितने कॉलम है जितनी आपकी रो है पर भैया वो तो तीन है ना तीन साफ लिख दो नहीं जो आपको कॉलम का रिलेशन निकालना है वो आपको रो के ऊपर निकालना है रो से रिलेट कराना है किस तरीके से एक फॉर्मूला टाइप बना के ठीक है मतलब ये मत लिख देना कि यार रो तीन होगी खतरनाक हो जाएगा वो क्योंकि मान लो तीन के जगह किसी ने आपको इनपुट पांच दे दिया तो तो आप ऐसे कर दोगे कि यार पांच रो है एक दो तीन चार पांच और पांचों रो में तीन आपने प्रिंट करा दिया बट ऐसा तो नहीं करना हमें तो पांचों में पांच, पांच प्रिंट कराने हैं तो जितनी रो होगी उतने ही उतने ही ये स्टार बने हो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ भैया ठीक है करके देखते हैं कोड करके देखें इसको हमने बोल दिया पैटर्न वन बहुत सारे कोड करेंगे तो डरना मत कि यार भैया तो समझ नहीं आ रहा अभी समझ आना शुरू हो जाएगा सबसे पहले हमने इनपुट में ले लिया कि भाई तुझे तो इनपुट में कितने वाला पैटर्न चाहिए किस एन के लिए चाहिए आपने एन मांग लिया ये आ गया मेरे पास अब मुझे पैटर्न प्रिंट करना है चलो हमने बोला सबसे पहले इंट आई इज इक्वल टू वन क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मुझे कब रुकना है मुझे तब तक चलाना है जब तक मैं एन नहीं पहुँच जाता देखो दो चीज़ें हैं तो यहाँ पर एन कब पहुँचूँगा मैं आई लेस देन इक्वल टू एन में अगर मान लो मैंने आई को जीरो लिया होता तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ अगर मैंने इसको ज़ीरो लिया होता तो मुझे वाइल में आई लेस देन एन लिखना पड़ता क्योंकि इस केस में मान लो अगर एन इज ईक्ल टू थ्री है तो यहाँ पर आई कहाँ तक जाएगा यहाँ पर आई जाएगा वन टू थ्री ख़त्म ठीक है तीन बार चला हमें तीन बार ही चलाना था और यहां पर आई क्या जाएगा जीरो वन टू ठीक है अगर मैं यहां पर इक्वल टू लगा दूंगा तो ये थ्री भी चला जाएगा तो चार बार चल गया हमें चार बार नहीं चलाना तो अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो इक्वल टू साइन मत लगा देना लॉजिक समझ गया हो गया पीछे का क्यों नहीं लगाना है ठीक है अगर जीरो से स्टार्ट करोगे फिर एंट तक पहुंच के एक ज्यादा बार चला देगा जो कि हमें नहीं चलाना है तो अगर हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इक्वल टू साइन लगा पा रहे हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमने क्या बोला कि यार हमें कुछ अब ये वाइल्ड लूप जो ये हमारा हर रो के लिए चलने वाला है एक बार आई वन होगा फर्स्ट रो के लिए चल गया एक बार आई टू होगा सेकंड रो के लिए चल गया एक बार आई थ्री होगा थर्ड रो के लिए चल गया ठीक है अब हमें कॉलम की बात करनी कॉलम के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया जे एक से निश कर दिया उसको कितने स्टार आ रहे हैं यहां पर अगर हम देखें तो हर रो में हर रो में कितने स्टार हैं जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज़ है जो आपको स्टार्टिंग में मिली थी स्टार्टिंग में एन मिला था ना आपको तो इसका क्या मतलब है एक और लूप लगा दिया हमने हमने बोला वाइल जे लेस देन इक्वल टू तो एन तब तक आप प्रिंट करो स्टार को डन ठीक है और आप जे बढ़ा दो जे इज इक्वल टू तो जे प्लस वन ठीक है और यहाँ पे भी आपने आई बढ़ा दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं लिखा तीन तो सीधी लाइन में आ गया यार गलती करी हमने तो देखो क्या करना है आपने जब एक रो प्रिंट करा ली पूरी जब ये फर्स्ट रो में आपने सारे कॉलम प्रिंट करा लिए तो आपको एंटर भी तो मार रहा है ना दोस्त एंटर ऐसे मारते हैं अब चलाते हैं चलाया हमने लिखा थ्री अब बिल्कुल सही चल रहा दोबारा समझते हैं कोड को एक बार सबसे पहले हमने एक वेरिएबल इनपुट करा लिया जिससे हमें पता चला गया हमें किस कौन सा पैटर्न किस नंबर के लिए बनाना है ठीक है हमें पता लगा यार हमें थ्री के लिए बनाना है हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि रो का बताया कौन सी रो चल रही है हमने आई बना लिया जो बोल रहा है यार पहली रो से शुरू करते हैं कितनी रो बनानी है एन रो बनानी है तो हमने एक वाइल लूप लगाया जो कि पहली रो से एन थ्रो तक जाएगा पहली रो से एन थ्रो तक जाएगा अब इस वाइल में एंटर करते यहां पर हम पहली रो की बात करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि आई इज टू वन है अब पहली रो में कितने स्टार प्रिंट करने हैं पहली रो में उतने स्टार प्रिंट करने हैं जितना हमें एन की वैल्यू मिली है तो हमने एक नया वेरिएबल बनाया जे जो कि कॉलम्स के लिए है कितने प्रिंट करने हैं एन तो हमने बोला जे देन एन तक चलाओ भाई लेस देन इक्वल टू एन तक चलाओ और ये स्टार प्रिंट कर दो और हमें पता है कि वाइल्ड लूप में जो भी वेरिएबल वैल लगा रहे हैं जो कंडीशन है उसमें जे वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं कि एक स्टार प्रिंट हो गया दो स्टार प्रिंट हो गए तीन स्टार प्रिंट हो गए हमने ये तीन स्टार प्रिंट कर दिए अब हमें क्या चाहिए हमें एक एंटर चाहिए हमने बोला एंटर मार दो यार एंटर मार दिया और अगली लाइन तक पहुंच गए अगली लाइन तक पहुंच गए हमने आई को आगे बढ़ा दिया उसके आगे लूप चलता जाएगा समझ में आई है में? अगर आ गई बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आई आगे और एग्जाम्पल करने वाले ठीक है थेका? अगला क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं अगला पैटर्न कैसा होगा भैया अगला पैटर्न इस तरीके का बनाने का ट्राई करते हैं हमने बोला कि वन 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 टू 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 थ्री 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 पहली ऑब्जर्वेशन के रो कितनी है भाई तीन है ये है फर्स्ट रो ये है सेकंड रो और यह है थर्ड रो सेकंड ऑब्जर्वेशन हर रो में क्या लिखा हुआ है हर रो में यार जोन सी भी रो है ना उसका नंबर लिखा हुआ है जैसे यहां पहली रो में तो आई वन होता दूसरी रो में आई टू होता तीसरी रो में आई थ्री होता तो सिंपल चीज़ है यहां पे क्या प्रिंट हो रहा है यहां बस आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है पहली रो के लिए वन आ गया दूसरी रो के लिए दो आ गया ती, तीसरी रो के लिए तीन आ गया तो आपका जो कॉलम है वो सिंपल सिंपल आई है यार जो भी रो का नंबर है आई क्या है रो का नंबर जो सी भी रो चल रही है आसान है चलो करके देखते हैं हमने बोला यार इंट एन हमने बोला इनपुट करा लो हमने बोला हम शुरुआत करेंगे पहली रो से i इज़ टू वन और हम चलाएंगे एन थ्रो तक वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन ये चीज़ समझ में आ गई हमने एन थ्रो तक चला दिया अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले पहली रो की क्योंकि हमने आई जिकल टू वन चलाया सबसे पहले किसकी बात होगी पहली रो की बात होगी हमने कॉलम्स के लिए एक रियल बनाया जिसको बोला जे शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी कहाँ तक चलाओगे हमें ये कितना चलाना है यहाँ से देखे तो जे का देखो आई कैसे जाता है आई ऐसे जाता है ऐसे ऐसे और जे कैसे जाता है जे ऐसे जाता है जे ऐसे और ऐसे तो देखो जे क्या जा रहा है जे तीन बार चल रहा है एक दो तीन तो हमने जे की शुरू कर दिया कहाँ से आई से और कहाँ तक चलाना है एन तक चलाना है जे लेस देन इक्वल टू एन प्रिंट क्या करना है हमेशा प्रिंट आई की वैल्यू करनी है इसके अंदर में हमने अभी देखा क्यों क्या मुझे एंटर मारना है नहीं मारना क्यों पहले हमने ये वन प्रिंट कर दिया एंटर थोड़ी मारा है फिर प्रिंट कर दिया एंटर थोड़ी है फिर प्रिंट कर दिया तो यानी हाँ पे एंटर तो नहीं मारना जे को आगे बढ़ाता हूँ जे इज इकल टू जे प्लस वन तो यहां पे मैंने तीन वन प्रिंट कर लिए हैं अब जब मैंने यहां प्रिंट कर लिए हैं फिर क्या है एंटर मारना है अब यहां पर मैंने बोला कि यार एंटर मार दो और आई को बढ़ा दो हो गया कोड डन चला के देखते हैं मैंने बोला चार के लिए चलाइयो अरे कुछ गलत आ रहा है समझते हैं क्या गलत कर दिया हमने हमने बोला कि जे इजल टू आई पर जे इजल टू आई थोड़ी करना है हमें तो हमेशा कितने चलाना है हमें हमेशा एक दो तीन या फिर जितना भी एन होगा वहाँ तक चलाना है जे को हमेशा वन से शुरू करके एन तक लेके जाना है तो जे यहाँ पे गलत कर दिया हमने यहाँ पे वन आएगा अब इसको रन करते हैं हमने बोला चार चल गया पर यार, यार ये बड़ी प्यारी सी फिगर आई ना ट्रायंगल वाली क्या हम ये कोड करवाएंगे ये भी कोड करेंगे आगे जाके ठीक है अभी समझते हैं दोबारा हुआ क्या समझते हैं चलो कोड को लिखते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं हमने बोला वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन इसका क्या मतलब है कि भाई रो आई से एन तक ले जा मुझे इस कोड के हिसाब से जे इज इकल टू वन मैंने आपको पैटर्न बताया ना वन 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 टू 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 थ्री 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 जे इज ईकल टू वन का मतलब यहां पे है जे आपका इसको आपने बोला कि कहाँ तक जाएगा ये जे लेस देन इक्वल टू एन तक जाएगा ये हो गया वन टू थ्री ऐसे और भी हैं तो एन तक चला जाएगा ठीक है और आपने प्रिंट क्या करना है ये जो कि आपका का नंबर है का नंबर क्या है आई है आपने सी आउट कर दिया आई आपने जे को आगे बढ़ाया यहाँ पे आपने आई को आगे बढ़ाया एंटर मार के क्योंकि आप यहाँ पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अगली लाइन पे आना आपको इसलिए आपने एंटर मार दिया आई आगे बढ़ाया और आपका काम हो गया आई जिकल टू आई प्लस लिख डन है समझ में आया अभी भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा अगर अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं और एग्जाम्पल करते हैं तब समझ में आ जाएगा